ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोप किस तरीके से सिद्ध साबित होंगे सबके लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इस तपती गर्मी में लगातार जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन उनके साथी पहलवानों के साथ जारी है और सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन पहलवान है, तपती गर्मी में खून पसीना बहाते थे, प्रैक्टिस के वक्त तो शायद इनके लिए मुश्किल ना हो, लेकिन मुश्किल तब हो रही है जब इनके लिए ही कुछ बड़ी बातें होती है नजर आ रही इनके खिलाफ। तो इन सबके बीच चर्चाएं बहुत बनी हुई है और साथ ही साथ ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बंद कमरे का राज क्या खुल पाएगा या नहीं। आखिर बंद कमरे का राज क्या था, हर कोई यही जानना चाहता है कि जब कोई महिला पहलवान उनके कमरे में जाती थी तो वो कमरा बंद क्यों रहता था और उस बंद कमरे में ऐसा क्या कुछ होता था। ब्रजभूषण ने साफ बताया कि महिला पहलवान मेरे पास मदद मांगने के लिए आती थी, मैं WFI का अध्यक्ष था तो अपनी बातें अपनी शिकायतें अपने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे पास आती थी और उनको मैं हल करता था। कभी भूले भटके उनको गले लगा लिया तो पिता के समान ही लगाया था, इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं थी। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने साफ कहा कि जैसे ही हमको पाते थे अकेला, हमारे पास आते थे, क्लोज आकर हमें टच करने की कोशिश करते थे, गलत निगाह से देखते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे जो हम सभी को सही नहीं लगती थी, हमारे बॉयफ्रेंड के बारे में, हस्बैंड के बारे में, शादी के बारे में, शादी के बाद क्या करोगे, तो ये सारी बातें हमें चुभती थी और यही हमको मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी, क्योंकि हमारा फोकस टूट रहा था और हम कमजोर पड़ रहे थे। क्योंकि आप महिला पहलवानों की स्थिति अगर देखें तो पहली बात तो वो अपने परिवार से लड़ भिड़ कर कुश्ती के मैदान पर आती है जो कि लड़कों का खेल माना जाता है एक तरीके से, लेकिन लड़के आज देखिए कि कितने बड़े बड़े पहलवान निकले देश के लिए, यहाँ पर देश की बेटियों ने नाम रोशन किया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बंद कमरे में जब ये सब कुछ होता तो उसका राज हर कोई सुनकर चौंक गया। लेकिन ये सच है या झूठ, इस पर जब ब्रजभूषण से सफाई मांगी गई तो ब्रजभूषण ने इसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं था, आप चेक करा लीजिए, आप पूछताछ कर लीजिए, ये पहलवान जो बैठे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। तो ब्रजभूषण के इतने गंभीर आरोप को लेकर इस ये बड़े खुलासे से हर कोई दंग था। लेकिन आखिर क्या सच है बंद कमरे का, ये हर कोई जानना चाहता है। आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही पुलिस जांच के जरिए बताता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।